भी शाही सिर्फ जी ये तो विदित ही होगा कि हमारे देश में लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसमें कि डायबिटीज़ एक मुख्य लाइफस्टाइल डिजीज़ है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। भारत में ऑलमोस्ट हर छठा व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है। डायबिटीज़ के शोध रिसर्च और ट्रीटमेंट के लिए देश की एक सबसे बड़ी जो संस्था है वो है RSSDI जिसका रिसर्च सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि RSSDI का इस वर्ष का नेशनल कन्वेंशन जाए। वर्कशॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का, जैसे कि दूसरे लोगों को ट्रेंड करना, ट्रेंड बाय ट्रेनीज। इसमें जैसे कि इंसुलिन की किस तरह से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेज हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, और दूसरे जो एडवांस हैं इंसुलिन के अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं, डायबिटीज़ फूड डिजीज हो गया, डायबिटीज़ दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो गई, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये वर्कशॉप में जो इस तरह के लोग जो बाहर से सीखने के लिए आते हैं वो वर्कशॉप आयोजित किया जाता है, वो 5वां पैरेलल होल चलेगा। बहुत अच्छी रिसर्च यूँ हुई है कि बहुत अच्छी दवाइयाँ आने लगी हैं जो कि शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ हार्ट को फेल करने से भी रोकती हैं, दूसरा शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ गुर्दे को बचाती हैं, तीसरा जो नया कंसेप्ट आया डायबिटीज़ रिवर्सल, उसमें ये देखा गया है कि पिछले 2 साल में 4 स्टडीज़ हुई हैं और उनमें ये फाइंडिंग्स आई हैं अब तक की स्टडीज़ में कि शुरुआती हालत में अगर डायबिटीज़ के पेशेंट का वेट बढ़ा हुआ है उसको कम करते हैं कुछ दवाइयों की मदद से, कुछ डाइट से, और किस तरीके से डायबिटीज़ करीब करीब 50% लोगों की रिवर्स हो जाती है, मतलब बगैर दवाई के शुगर मीठा खाने के बावजूद भी बढ़ती नहीं है। तो नई चीज़ें बहुत सारी खुल करके आपस में डिस्कस होंगी। करीब 6000 डायबिटीज़ के डॉक्टर होंगे, करीब 450 फैकल्टी है जो कि डिफरेंट तरीके के पेपर्स और लेक्चर्स प्रेजेंट करेंगी, इसके अलावा वर्कशॉप्स हैं, और नए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यंग साइंटिस्ट उन्होंने भी करीब 200 पेपर्स भेजे हैं जो कि छोटी छोटी रिसर्च करते हैं, उसमें से फाइंडिंग निकलती हैं। फिर तो उसके बाद में जो हमारी RSSDI संस्था है उसका मेन उद्देश्य ही रिसर्च है, तो उसके बारे में आगे कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स करके आगे नई चीज़ें लाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो पेशेंट बैंक है इतने करोड़ लोगों का, उसके ऊपर जो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ के डॉक्टर्स को होता है, शायद ये चीज़ बाहर के डॉक्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है।